देखिए इस वक्त ट्रेन कितनी रफ्तार से दौड़ते जा रही है, दौड़ते जा रही है, और मन में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे हैं। कभी आप इन पटरियों को देखिए जो पीछे छूटती जा रही है, पीछे छूटती जा रही है, तो दिमाग में आता है सब कुछ छूटता जा रहा है। लेकिन जब आप आगे की तरफ देखिएगा तो आपको एक मंजिल नज़र आएगा, जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम जिंदगी भर प्रयासरत रहते हैं। सो आई विल आस्क यू बी ऑप्टिमिस्ट एंड थिंक पॉजिटिव। पटरियों की बात उठी तो उसके बारे में भी एक बात बता दूं। मान लीजिए इन पटरियों पे दौड़ने के लिए ट्रेन ना हो तो फिर ये पटरियाँ किस पे इतराएंगी? और मान लीजिए ट्रेन बन भी जाए और इन ट्रेन में बैठने वाली सवारी ना हो तो फिर ये जो ट्रेनें हिचकोले खाती हैं, बल खाती हुई चलती हैं, तो वो किसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी? तो मेरे कहने का मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो आप अपने आस पास जितने भी लोग हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कद्र करना सीखिए और ज़िंदगी को सुगम बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा का आनंद उठाना आप सीखिए। जय माता दी। इस वक्त सुबह के 2:39 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं धनबाद रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त यहाँ का नज़ारा आप देखिए, बहुत सारे मुसाफिर हैं जो नीचे सोए हुए हैं बाहर में। हमारी ट्रेन है हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस, जो 3:25 पर आएगी यहाँ पे। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं रिटायरिंग रूम में और यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगरा के लिए। तो मैं अंदर का दृश्य दिखलाता हूँ, फिर आगरा का कल। तो अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये मेरे पापा। तो चले ट्रेन के अंदर। हाँ चलते हैं। तो ये हमारी बोगी है AC 2 टायर, अंदर देखते हैं। तो हमारी ट्रेन चल पड़ी है आगरा के लिए। धीरे धीरे भी पटरियों पर रेंग रही है, थोड़ी देर में ये गाड़ी अपने पूरे लय को प्राप्त कर लेगी। और फिलहाल वक्त है सबको गुड नाइट बोलने का, और मैं दिखला दूँ आपको एक बार। ये देखिए मैं दिखला दूँ, बेडरूम था ये। अमीनू भी अब सोने के मूड में आ चुकी है और मैंने उसका बेड लगा दिया है। ये नीचे वाला बर्थ उसका है और ऊपर वाला मेरा। तो चलिए अब हम लोग सोते हैं और कल दिन में फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से खुल गई, जिसे पहले लोग मुगलसराय के नाम से जानते थे। और मीनू भी उठ चुकी है। तो ये सुबह का नाश्ता हम लोग तैयार कर रहे हैं। मेरी मेहतरमा ने मेरे लिए भेजा है, देखिए ये पूरियाँ हैं और यहाँ का फेमस लिट्टी है। सलाद की व्यवस्था मैंने कर ली है, क्योंकि बड़े सलीके से उसने चाकू भी दे दिया था, खीरा भी दे दिया था, प्याज भी दे दिया था। तो मज़ा आ जाएगा सुबह सुबह के नाश्ते में। और ये देखिए, और हर चीज़ बड़े सलीके से रखा हुआ है। तो वो चूँकि साथ में नहीं आई है तो उसने तैयारी पूरी कर दी थी हमारे लिए, ताकि कोई किसी तरह के। ये नमक भी डाल देता हूँ थोड़ा बहुत, और अब इसे खाने का हम लोग आनंद लेते हैं। मीनू खा के बताओ कैसा लग रहा है? चलिए मैं बताता हूँ। मस्त, क्या आलू और गोभी का भुजिया, खीरा, प्याज। मीनालिका सिंह को थोड़ा ये सब चीज़ कम पसंद आता है, तो उनके लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया था स्टेशन पे, चिप्स वगैरह ले लिया था। तो वो हालांकि वो भी ये खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे। चलिए फिर मेरे साथ बन रही है। तो इस वक्त ट्रेन पूरी रफ्तार से भागती जा रही है और मीनालिका के चेहरे पर खुशी आ गई है, क्योंकि उसने अपना फेवरेट आइटम अपने हाथ में ले रखा हुआ है। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक, पता नहीं इसमें क्या मिलता है उसको। नाश्ते में उसने सिर्फ एक पूरी लिया और एक लिट्टी, और टूट पड़ी है देखिए, चिप्स लिए उसने और ये कोल्ड ड्रिंक्स। और ट्रेन भी पूरी रफ्तार से भाग रही है। उसके
उसकी मम्मी नहीं है, लेकिन मीरा के साथ आज कुछ पल हमने अच्छे बिताए और समय बिल्कुल अच्छे से कट रहा है और हमारी यात्रा बहुत ही सुखद है। तो फाइनली हम अपने मंजिल आगरा फोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से अभी हम लोग अपने होटल चल रहे हैं। तो हमने अभी ऑटो ले लिया है अपने होटल जाने के लिए और ये देखिए पीछे आगरा फोर्ट स्टेशन को बाय बाय करते हुए यहां से हम अपने